तुम कभी सोते नहीं हो क्या? ना हेलो ना गुड मॉर्निंग, दिन शुरू करने का ये क्या तरीका है? अच्छा जी, जिस इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा, भला उससे हेलो क्यों करूं मैं? हाँ हाय हेलो ना सही, पर कम से कम एक बार मुस्कुरा दो। अच्छा, तुम्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखने का इतना ही शौक है, तो वीडियो कॉलिंग करो। तुम ना सच में बहुत स्मार्ट हो, मुझे दाना डाल रही हो ताकि मैं किसी मासूम कबूतर की तरह तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। तो क्या करूं, मैं तुमसे इतने दिनों से बात कर रही हूं और मैं तुम्हें देखा भी नहीं आज तक। वो दिन भी जल्दी आएगा। ठीक है, फिर उसी दिन बात करेंगे। बाय। आगे तुम लोग। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम तीनों आज टाइम पे? आपको इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता ना मैडम। चलो क्लास शुरू करते हैं। मैम आप नाश्ता कर लीजिए, हम इंतजार कर लेंगे। हाँ हाँ मैम, आप आराम से आइए। बस मुझे 5 मिनट देना, तब तक तुम लोग अंदर चलो। जी मैम। मैंने तुम्हें रात में कॉल किया था, कहाँ थे तुम? सुनो, मुझे 2000 रुपए चाहिए। एक तो महीने का आखिरी चल रहा है, ऊपर से मेरे पास पैसे की तंगी चल रही है, और मैंने फैसला किया है तुम्हें शराब पीने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। ये क्या बदतमीजी है? तुझे क्या लगता है तू पैसे कहाँ छुपाती है? मुझे मालूम नहीं होगा? तू क्या, तेरा बाप भी पैसे देगा? रवि, रवि, रवि क्या कर रहे हो तुम? रवि, रवि मेरी बात सुन। रवि क्या कर, रवि रवि क्या कर रहे हो तुम? बोला था ना प्यार से दे दे। रवि, बोला था ना प्यार से दे। रवि मेरे प्यार से बोल रहा था ना। रवि मेरी बात बोल रहा था ना, कि पैसे दे दे। रवि,
इमरजेंसी के लिए रखे थे। ले सब्जी के काम आएंगे, रख। ऐसा लगता है मैं आज छुट्टी लेनी नहीं चाहिए। किसने बोला कि मैं आज छुट्टी देने वाली हूँ? तो पढ़ाई शुरू करें। तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं अभी आती हूं। बाय गॉड, क्या कमाल की औरत है यार ये। मैं धीरे बोल। सच बोलने में डर कैसा? देखना एक दिन इस औरत को अपना बना के रहूंगा। तुम लोगों ने इसका सलूशन निकाला? नहीं मैडम, नहीं आया। हेलो हेलो, आज मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? आज जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम्हें घूम रही हो। तुमने मुझे देखा है? कहाँ, कब? सोच रहा हूँ तुमसे मिलने आ जाऊँ। अच्छा जी, हिम्मत है तो सामने आओ, मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े मर्द हो। हेलो हेलो, अरे इस लाइट को क्या हुआ? बाहर तो आ रही है, लगता है फ्यूज उड़ गया होगा। जाके देखती हूं। कौन है?
कौन था वो? ये आदमी कौन था जिसने मेरे सोए हुए जज्बातों को जगा दिया? कहीं अजनबी अजय तो नहीं? छोड़ो मुझे मेरा कोई मूड नहीं है। मेरा तो है। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। मेरा बहुत मन कर रहा है। मुझे तुमसे मिलना है। सोच लो, अगर आज मैं तुम्हारे सामने आया तो कल की तरह खुद को रोकूंगा नहीं। मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी।
क्या देख रही है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजनबी तुम होगे। मैंने तो जब से आपको पहली बार देखा है उसी दिन से आपको अपना दिल दे दिया। मतलब सोते जागते हर समय आप मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती हो। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ पे? ऐसा ये है कि मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। जितनी खूबसूरत आप बाहर से है उतनी खूबसूरत आप अंदर से भी है। सच? इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ मैम। मैम सॉरी मोना, आई लव यू। बाय मैडम। बाय मैडम। मोना, मोना पानी कहाँ मर गई? मोना, मोना मोना तू आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कोचिंग सिखाती हो तुम यहाँ पर? जाने के साथ रंगीली मना रहे। चलन औरत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जरूरत है, मेरी भी जज्बात है। तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला, समझी? मेरी नजरों के सामने ट्रैक्टर लेस की सिर पर से एक सजा मौत। मैं मर गई, तुम्हारी
शराब का पैसा कौन देगा? रवि, हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि मुझे मेरी शर्तों पे जीने दो और जिंदगी भर मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूंगी। बोलो, मंजूर है? नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। कल ही तो तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मेरा यकीन मानो करण, मैंने बात संभाल ली है। तुम टेंशन मत लो और घर आओ। देखो, मैं नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर आओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। करण, अंदर आओ ना, क्लास कब की शुरू हो चुकी है। आज से एक हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है, तनु। प्लीज कम तनु। ये तनु है, BNT कॉलेज में पढ़ती है। हाय तनु। बैठो। क्या तुम्हारा नाम करण है? हाँ। क्या तुम उससे अपने नोट शेयर करोगे? या श्योर, क्यों नहीं। कौन से चाहिए आपको? फिजिक्स के। ये लो। थैंक यू। जैसे कि तुम जानते हो कि मैंने एक कोचिंग अभी ज्वाइन करा है, तो मुझे सब्जेक्ट्स में थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? हाँ क्यों नहीं, यही पास में ही पार्क है, वहीं चलते। अच्छा अच्छा, सुनो एक बात पूछू तुमसे। सच बताओगे ना? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तब तो ठीक है, चल चले।
डियर करण, आज तक ना जाने कितने लड़कों ने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं दी। लेकिन तुम कुछ अलग हो, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारी बकवास बातें ही मुझे अच्छी लगती है। शायद इसे ही कहते हैं प्यार। अरे तनु, तुम? हाँ करण, आज मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने प्यार का इजहार करती हूँ। आई लव यू करण, और उम्मीद करूंगी कि तुम भी मेरे प्यार का एक्सेप्ट करो। आई लव यू तनु। हम लोग करण का आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। हाँ मैम, आते ही होगा। मैम आपको नहीं लगता करण आजकल क्लासेस मिस करने लगा है? अरे करण क्यों, तनु भी गायब रहती है आजकल। क्या मतलब है तुम दोनों का? अरे मैम आपको नहीं पता तनु और करण के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है और कब से चल रहा है? जब से तनु ने कोचिंग ज्वाइन की है तभी से दोनों के बीच गुटरगु हो रही है। हाँ मैम, आज के लिए बस इतना ही। अरे सॉरी यार, वो घर में कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। तो मैं पागल दिखाई देती हूँ इतनी देर तक वेट करने के लिए? अरे यार अब सॉरी बोल तो दिया है, माफ कर भी दो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारी फेवरेट वाली आइसक्रीम लानी पड़ेगी। अभी आता हूँ। ये लो जी, आपकी फेवरेट आइसक्रीम। ये एम कौन है? कोई नहीं। क्या कोई नहीं, अभी तक कॉल पे कॉल आ रहा था, अब मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। अरे यार मेरी वैसी एक फ्रेंड है और कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा तो लड़की है? हाँ पर कुछ खास नहीं। तो मुझे फोन अनलॉक करके दो। देखो तनु, माय रिश्ते में इन सब इनसिक्योरिटीज की कोई जरूरत नहीं है, समझी? साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी शक्ल पे कि तुम झूठ बोल। फोन अनलॉक करके दो। क्या कर रहे हो करण तुम? ये करण, ये क्या कर रहे हो? फोन दो मुझे। करण फोन दो ना करण।
मैसेज डिलीट क्यों करे? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या? एक्चुअली वो तुम्हारे से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिससे मैं एक साल पहले ब्रेकअप कर चुका हूँ। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने चैट डिलीट क्यों करी? देखो क्योंकि मंजरी मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके और मेरे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। पता नहीं कैसे कैसे मैसेजेस भेजती रहती है। मुझे डर था कि अगर वो तो मैसेजेस पढ़ लेती तो शायद मेरे को ही गलत समझती, इसलिए मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिए। आई डोंट बिलीव यू करण। देखो तनु, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हीं से करता हूँ और मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा कि मेरे और मंजरी का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो इसलिए मेरी बात का यकीन करो। आई लव यू जान। अब मैं तन्नु और मोना दोनों के साथ रिश्ता चला नहीं सकता, मुझे मोना से अपना रिश्ता खत्म करना होगा। मोना, मोना, जिस मोना को तुम ढूंढ रहे करो वो तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम्हारा पति था। उसको जब हम दोनों के बारे में मैंने बताया तो वो घर नहीं आते, अपने दोस्तों के साथ ही पड़े रहते। अच्छा है ना? देखो मोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये वक्त बातों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। देखो मोना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ना तुम्हारी बाहों में बहुत अच्छा लगता है। मोना देखो, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि मैं हम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। मैं कोई चिंगम नहीं हूं, तुमने जब चाहा खा लिया और जब चाहा थूक दिया। मोना देखो, हम दोनों की जिंदगी में बहुत अकेलापन था जिसको दूर करने के लिए हम करीब आए, हमने कुछ हसीन पल साथ बिताए, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता यही तक था। तुम ये क्यों नहीं कहते तनु के आने से मेरी जरूरत खत्म हो गई? अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। करण, मैं तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेलने दे सकती। मेरे पास हमारे वो लम्हे की वीडियो है जो मैं वायरल कर दूंगी। अरे मैम प्लीज ऐसा मत करना, मैं बदनाम हो जाऊंगा। जो करना है कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझसे कई ज्यादा बदनाम तुम होगी, क्योंकि हमारा समाज मर्दों की ऐसी गलतियों को बहुत जल्द बुला देता है लेकिन औरतों को कभी माफ नहीं करता। आज मैं तनु के सारे गिरे शिकवे मिटा दूंगा, लेकिन ये लड़की कहां रह गई है, आई नहीं अभी तक। तनु, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक उड़ाया करण। तनु, मैं सब सच कह रहा हूँ, मैंने मेरे और मंजरी के बीच सारे रिश्ते खत्म कर दिए। और कितना नीचे गिरोगे करण? मुझे पता चल चुका है तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का नाम मंजरी नहीं, मोना है, हमारी ट्यूशन टीचर। यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तो देखो, ये तुम्हारा किसी ने घटिया एमएमएस सेंड करा है। नहीं करूं, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती मेरे अलावा। भले इसके लिए मुझे पूरे जमाने की जिल्लत क्यों ना सहनी पड़े।
देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तनु, तनु रुक जाओ प्लीज। ये तुमने क्या किया है मोना? I'm sorry करण, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुमने मुझे जो घाव दिया है ना, वो कभी नहीं भर पाएगा। करण, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, मैं ना सब ठीक कर दूंगी, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा प्लान बना लिया है, हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, बस मुझे अपने हवाले कर दो। से मेरा प्यार छीना है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बोलो, कॉल क्यों किया मुझे? हेलो तनु, मैंने हमारे बीच की दीवार गिरा दी है। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने मोस्ट मोना को मार डाला है। क्या? अब वो हम दोनों के बीच कभी नहीं आ पाएगी। तुम अभी कहाँ हो? मोना के घर में। तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, और उसके बाद फिर मिलके कुछ करते हैं। ठीक है। आपको किसने इन्फॉर्म करा? तुम्हारी दोस्त तनु ने। तुम्हारे पास एक अच्छे भविष्य का मौका था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुमने सब बर्बाद कर लिया है। कांस्टेबल, ले चला इसे। चल।